थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे हम लोग, बहुत अच्छे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमारी पिक्चर पिक्चर का रशेस देख रहे थे हम लोग। जी सर। श्रेयस भाई और मैं, हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं। मैडम डायरेक्ट कर रही है पिक्चर एक। बहुत बढ़िया, यही बताएंगे। तो बाहर आ जा, बाहर। मैम थोड़ा सा आगे आइए, मैम थोड़ा आगे बोलिए ना। बाहर ही नहीं निकलना है। ये फर्स्ट प्रीव्यू था हमारा लाइनअप का, तो अभी विजय सिंह की क्या क्या काम किया, तो इन्होंने डिसाइड किया है मुझे मारेंगे। अच्छा काम हुआ है। नहीं, क्योंकि इंटरवल तक ही हुई है पिक्चर, कंप्लीट होने के बाद मार सकते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। हल्का सा मास निकाल लेंगे। स्पेस है। हाँ, मास मास हल्का सा। टॉपिक तो सही है सर। पता नहीं था कि आप लोग आने वाले, नहीं तो मैं शेव वेव करके आते हैं। कुछ और थोड़ा मेकअप करके, कुछ और करके आते हैं। सोच के आते हो क्या बोले? राजेश जी टोपी भी लगा के आते हैं। हाँ, नहीं मैं लगा के आया था, मैंने छुपा ली। एक बार से झटका दीजिए। शुभ दिन। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए राज भाई। राज भाई छोड़ो छोड़ो। अरे मैंने बताओ ना आपको। अच्छा सजी लुक अरे कम हो गया ना। अच्छा है ना, अभी तो अभी तो स्मार्ट लग रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जूते से भी शायद वहाँ पे हूँ उस तरफ। जी बताइए भाई, भाई थोड़ा सही बता। अरे मैं तो स्कूल में बाहर घूमो, जैसे एक दो बार कोरोना होगा पतले हो जाओ। पतले घूमो खोलो। अच्छा, एक साथ में फोटो चाहिए। जी मास्क तो डालिए। बाय बाय, सी यू। बाय दीप्ति, सी यू। एक मिनट, बाय बोल। हां बाय बोल दो। अरे आई वाज बीच में, वी वर सो बिजी आल्सो, होम में भी बिजी थे। नाउ डू पिक अप द कॉल। या या, श्योर श्योर। अभी तो शो भी शुरू हो गया था। ये सच ही है। हां चलो, बाय 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 बाय, गो। तो हमारी पिक्चर का आज फर्स्ट स्क्रीनिंग थी, जो कश्मीरा ने डायरेक्ट की है फिल्म, जिसका बहुत ही कमाल का टाइटल है, जो हम लोगों ने अभी तक उसको बाहर नहीं लाया टाइटल को जानबूझकर, क्योंकि हम चाहते हैं कि फिल्म पहले कंप्लीट हो। और डेफिनेटली फिल्म का पहला इंटीग्रेशन आप हमारे शो पर ही देखेंगे, कपिल शर्मा शो पे। और हमारा शो भी शुरू हो रहा है बस 10 दिन में, तो लोगों का जो वेट है वो भी अब ख़त्म हो जाएगा। हमारी रिहर्सल प्रोमोस तो देख लिया आप लोगों ने, सुदेश जी भी आ गए हैं अभी शो पे,
तो भी और भी मजा आएगा आप सब। ओके कश्मीर में अभी बिग बॉस है जो ओटीटी पे आ रहा है, तो मैं क्या कुछ कहना चाहूँ? बहुत गालियाँ होने वाले हैं, बैंड बजाने वाले हैं सब सबके, और हम यहाँ बैठ के ट्विटर पे बैंड बजाएंगे। अरे मजा आएगा करण सर के, तो उनका वो इम्प्रॉम्प्टू और वो जो मस्ती करेंगे ना सब लोगों के साथ, मस्ती इज ओवर द टॉप ना। छह महीना चलने वाला ही है। हाँ, और ओटीटी पे है तो गालियों के साथ आपको और भी मजा मिलेगा। हम भी बहुत गालियां यहां से देते हैं ना। इधर तो क्या होता है, टी टी करके उसको और लोगों को पता है बीप कर देते हैं, तो बीप में ना लोग पकड़ लेते हैं कि ये बहन की गाली थी, चाचा को गाली दी है, ताया को गाली दी है, माँ की गाली दी, पता चल जाता है। लेकिन अभी क्या खुली खुली गाली आपको ओटीटी पे सुनने मिलेगी, और यानी मैं अगर दे तो मैं गाली दे सकता हूं, और अभी आपको मेरे ख्याल से कंट्रोवर्सी हो जाएगा सर। कंट्रोवर्सी नहीं, अभी आपको मजा भी आएगा। आई थिंक वो लोग अभी कभी भी रात को वो सोते थे और फिर उसके बाद सुबह दिखाते थे, तो आई थिंक अभी नाइट वर्जन भी देखेंगे। तो इट्स गोना बी मोर फन, मुझे ऐसा लगता है ओटीटी पे अगर नाइट वर्जन भी होंगे ना, मेरे ख्याल से आप जाएंगे। मैं कभी मैं जाऊंगा स्टेज पे, मैं जाता हूँ और छोड़ने के लिए इनको, या लास्ट टाइम आरती को छोड़ने गया था, फिर ये लास्ट टाइम ये फिर से गई थी तो फिर इनको छोड़ने गया था। तो मैं, मेरा मजा आता है भाई के साथ मुझे, एक्चुअली सलमान भाई के स्टेज पे मैं हमेशा, कितने साल गया, 7-8 साल, मैं जब बचाव करते थे हम तब से मैं भारती तो जा ही रहे। अब इसने मुझे बोला था कुछ तोड़ फोड़ मत करना वगैरह, तो मैंने सुना था, मैं नेक्स्ट टाइम सुनूंगी नहीं, सब तोड़ फोड़ ही आऊंगी। नो कमेंट। पर इस बार सलमान सर ने रेंगे कितना, करण सर है कितना, नहीं नहीं सलमान सर को शो करना चाहिए वो जो टीवी पे आने वाले हैं। मैम लुक हियर ओटीटी करण सर, मैम लुक हियर मिडिल कैमरा, वो तो पता नहीं, आई थिंक चैनल और उनका क्या है। मैं ऐसा नहीं कोई बायस या फिर बहुत पॉलिटिकल हो रहा हूँ, लेकिन करण सर का अपनी अपना स्टाइल है, सलमान भाई डेफिनेटली, मतलब टेलीविजन पे तो बिग बॉस मीन सलमान भाई, भाई के साथ तो मजा ही आता है। फन विद करण, हाँ हो सकता है, या इट बी फन, या इट विल बी फन, करण सर डेफिनेटली। तो आप दोनों गेस्ट के तरह जाएंगे क्या? मैं तो कॉन्टेस्ट में बन के जाऊंगी, मुझे बैंड बजाना नहीं, मेरे को ना डर लगता है। आई लव बिग बॉस, ऐसा नहीं है कि मैं, मुझे पसंद नहीं है बिग बॉस, बहुत बढ़िया शो है, मैं हमेशा देखता हूँ, लेकिन मुझे घबराहट होती है कि वो 4 महीना में अंदर कैसे रहूंगा यार, मेरे को डर लगता है। मैं तो मतलब मैं इतना सीधा साधा आदमी, ऐसा सीधा साधा लोग ही अंदर गड़बड़ करते हैं ना, इसलिए मुझे डर लगता है जाने से, कैसा ना हो कि कुछ गड़बड़ कर दूं मैं, मुझे पता नहीं है। इनसे इनसे सजेशन लेके मारना थोड़ी अंदर, तो इनसे सजेशन नहीं लेता बिग बॉस का, तो बिल्कुल नहीं, ये बोलेगी पकड़ ले गला उसका। हाँ बट ये भी राइट के लिए, चलो चलो हो गया, हो गया, हो गया।